Yes, ma'am. आजकल क्या है, एक दौर चला हुआ रिक्रिएट करने का। जब दीप सिखा ने मुझे फ़ोन किया और हमारे कंपोज़र सेजुट साहब ने मुझे कहा कि एक बहुत ही लेजेंडरी गाना है, उसको अपने को रिक्रिएट करना, और मेरा बड़ा पसंदीदा गाना था। सारी दुनिया को पता है क्या हुआ तेरा वादा है कसम है इरादा, तो मुझे लगा कि करना चाहिए, क्योंकि मेरे खुद इतने गाने हैं कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि दूसरे का गाना मुझे रिक्रिएट करवाना पड़ेगा। मगर ये गाना चूँकि मेरा भी लाइफ टाइम फेवरेट गाना है, और इसके जो ओरिजिनल राइटर हैं मजरू सुल्तानपुरी, उन्होंने बहुत कमाल का लिखा था, मगर उसको कुछ एक नया रंग देना था, क्योंकि आने वाली जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, वो चाहती है कुछ नया सुनना। तो कहीं ना कहीं रिक्रिएट करने का एक फ़ायदा है कि उसको एक रिवाइव करने का मौका मिल जाता है हम लोगों को। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको मैं जितना आज के दौर के हिसाब से चेंज कर सकूँ। जो उसका मुखड़ा है उसको तो हमने नहीं हाथ लगाया, बट बाकी अंतरे हमने बिल्कुल अलग किए हुए हैं। और इसमें कमाल की बात यह है कि जब सेजुट ने मुझे कहा कि, मैंने पूछा गाएगा कौन, तो उन्होंने कहा दीप सिखा गाएंगे। तो मैंने बोला यार मैं दीप सिखा को बहुत ज़माने से जानता हूँ, दीप सिखा सिंगर कब हो गई? बोले सर नहीं आप जानते नहीं, बहुत अच्छा गाती हैं। और इनका एक स्क्रैच उन्होंने मुझे सुनाया, तो रियली मुझे इट वॉज अनबिलीवेबल। मुझे लगा कि यार नहीं ये है, कुछ बात तो है। सो फिर हम सब ज्वाइन हुए, हम मिले, हमने बात की, और एक बहुत अच्छी कोशिश है। और मुझे लगता है दीपशिखा की आवाज़ अपने आप में एक तरह से एक नया प्रयोग होगा, और लोगों सुनने वालों को लगेगा कि यार एक एक्ट्रेस जो इतना अच्छा काम करती है, इतने सालों से काम करती हैं, उतना अच्छा गाती भी हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ी तब जाके गाना बना जो अब आ जाएगा और आप लोग तमाम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समीर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आई एम सो हैप्पी कि ये समीर जी ने गाना लिखा और मैंने गाया है, एंड ऑफकोर्स डीजे से वो जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने किया है। ये गाने की ख्वाहिश बचपन से मुझे थी कि मैं गाना गाऊँ, लेकिन वो कहीं बैक ऑफ द माइंड चली जाती है। फिर एक्ट्रेस बन गई तो बिज़ी हो जाते हैं, फिर शूटिंग करते हैं तो गला ख़राब रहता है, डे नाइट शूटिंग करते, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। इन पर मैं बच्चों को एनकरेज करती थी कि आप लोग रियाज़ किया करो, कोई तो सिंगर बनो, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखती थी। तो हमने एक गाना गाया था जो ऑलरेडी डुएट गाना है, और मैंने मेरी और शेयर्स की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई। मैंने बोला एक ब्रेकअप पे गाना करते हैं, तो ये तो सबका फेवरेट है ये क्या हुआ तेरा वादा। तो उन्होंने बोला ठीक है, सर मैं एक्ट्रेस हूँ तो हम टिपिकल गाना नहीं बनाते, कुछ ऐसे अमित जी ने जैसे गाया तुम होती तो ऐसा होता, ऐसे कुछ करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे एक मुखड़ा भेजा, और मैं इतनी खुश गई आई सेड डन, ये गाना गाना ही है। और उन्होंने बोला वो इन्हें गुरुजी बुलाते हुए समीर जी ने लिखा है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इट्स माय लक के हमारे डीजे शहजू जी है। तो मैं बता रही थी गाना शुरू कैसे हुआ, समीर जी ने बताया। तो
उसको रिमिक्स में लेते हैं। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से गाने को गाया, अच्छा म्यूजिक किया, ऐसे काम करो कि इस बार गाने को साइलेंट मूड से बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो गाना बहुत बड़ा हिट है। तो जब समीर जी ने भी सोचा कि ये समीर जी का पहला कोई किसी और गाने का रिक्रिएशन है, अदरवाइज उनके गाने ही हिट है, तो हमने बैठ के मीटिंग की कि हम ऐसा लिखेंगे ऐसा लिखेंगे आजकल की जनरेशन की तरह, और इतना अच्छा लिखा कि गाना वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। एंड क्या हुआ, तेरा वादा इज़ एवरीबडीज़ फेवरेट। और जब गाना बन के आया, मैं US जा रही थी और मैंने बॉसी को बोला कि आप गाना बना लो, मैं आने के बाद देखते हैं। जब 1.5 महीने के बाद आई, जब ये मिक्सिंग सब कर रहे थे, तो जो हमारी इंडस्ट्री वाले हैं उनको बड़ा अच्छा लगा, सिंगर कौन है, दीपशिखा, कोई नई सिंगर आई है, मैंने बोला नहीं दीपशिखा एक्ट्रेस है। तो इट्स वेरी अनबिलीवेबल, पीपल डोंट बिलीव दैट आई कैन सिंग, एंड आई कैन जस्ट आई थिंक आई सिंग फ्रॉम माई हार्ट। एंड मैं भगवान की और मेरी पूरी टीम की थैंक यू कहूँगी कि ये चीज़ बन गई, यू नो ये टीम वर्क होता है, और एक 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 सब उसको ना एक सजाते रहते हैं गाने को, वैसे समीर जी ने सजाया, हमारे शेष सर ने सजाया, मैंने गाना गाया, फिर वीडियो बना, तो एवरीबडीज टीम वर्क एंड एंड रिजल्ट इज कमिंग टुमारो 12 o'clock, सो ओ होल नेशन विल कम टू नो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, इट्स अ न्यू वन मोर फेदर इन माई कैप। रेस्ट माई म्यूजिक डायरेक्टर विल टेल मी वन मोर फेदर। और जैसे दीपशिखा नागपाल का आप लोग नाम सुनते हैं, तो क्या होता है कि एक एक्ट्रेस, एक पॉजिटिव एनर्जी आप सबके दिमाग में आती है, क्योंकि उसका बड़ा एक फ़ैन बेस है। जब हमने उसके साथ गाना किया तो सोशल साइट्स पे जाके देखा कि बहुत से लोग जो उसको फॉलो कर रहे थे उन लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू किया, पर सडनली जब मैंने उसको सिंगिंग का उसका जो पैशन था वो देखा, वो शायद उसके एक्टिंग के पैशन से बहुत ज़्यादा पैशन था। एंड शी वॉज सो डेडिकेटेड कि ऑल द टाइम कब स्टूडियो आना है बॉसी, जितनी बार हमने जो उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए बोला नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा एनर्जी से उसने इम्प्रोवाइज़ करके उसको किया। जो पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था जो बाद में रिलीज़ होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये वाला गाना तो उसने मेरे ख्याल से 1 घंटे में गा के चली भी गई। तो वो एक आवाज़ अलग है, और गुरुजी ने जब वर्ड्स लिखे थे, जब तक ये सांसें हैं तुमको ही चाहूँगी, चाहूँगी तुमको मेरे यार, मेरी इन बातों का, तेरी उन यादों का दिल पे रहेगा एतबार, क्या हुआ तेरा वादा, तो वहाँ से ही ये गेम शुरू हो चुका था। और अभी आप आज देख रहे हैं कि गाना कितना अच्छा शूट किया उसने, शी इज़ लुकिंग प्रीटी, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, तो उसको पता है कि गाने को कैसे अपने गाने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो एक बहुत अच्छी जर्नी है, ये शुरुआत हुई है। अभी आप देखेंगे कि हमने बहुत सारा बैंक बना के रख लिया दीपशिखा के साथ, जो रिलीज़ होता चला जाएगा और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। सर मुझे तो बहुत लेट पता चला गाने के बारे में इतना पता था कि गाना बन रहा है, और पहले कोई और गाना बना रहे थे वो मुझे इतना एक्साइट नहीं कर रहा था, तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था। बट बाद में जब गाना बन चुका था एंड शी वॉज अब्रॉड, वो वापस आई और मैंने गाना सुना, आई रियली गॉट एक्साइटेड, गूज़बम्स आ गए मुझे गाना सुन के। मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब जो समीर जी ने उसके अल्फाज लिखे हैं वो कमाल के हैं, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस बाय शेजवुड के जो उनका जो भी म्यूज़िक दिया है, और जिस तरीके से इज डेडिकेशन, इज फोकस, और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। सबसे बड़ी बात जो आजकल वो मिसिंग होता है लोगों में, एटीट्यूड आ जाता है, वो सब नहीं है। सो ओवरऑल टीम वर्क बहुत अच्छा था, और इसी के कारण गाना बहुत अच्छा बना है। एंड बाकी तो आप लोग देखेंगे, तो जितना मुझे पसंद आया मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा आपको पसंद आया। एक पर्सन को मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगी। मैं कोई इवेंट में गई थी और मैं ऐसे ही खड़ी थी, और मेरी ये डार्लिंग दोस्त है जो हमेशा कैमरे के पीछे रहती है, कमया टू फारून, एंड वी वर स्टैंडिंग टुगेदर, और आजकल लाइव बैंड का ज़माना है तो गाना गा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि फारून आई वांट टू गो एंड सिंग। शी आस्क्ड मी डू यू सिंग, आई सेड यस आई सिंग सम टाइम, आई सेड लेकिन घंटे नहीं बज रही, गाना क्या बनाओ, एंड शी टोल्ड मी आई पुट यू टू समवन एंड शी पुट मी टू हिम, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। और ये बच्चों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहते थे, मुझे कभी कभी डर लगता था आई होप आई एम अ गुड सिंगर और नॉट सिंगर। सो क्रेडिट गोज टू हर ऑल्सो, शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बींग एंड फुल सपोर्ट, सबको कैमरा के पीछे सपोर्ट करती है, बट आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू हर 100%। सो देन द जर्नी स्टार्टेड एंड मैं बैकआउट भी कर गई थी कि नहीं 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 मैं गाना नहीं गाऊँगी चलेगा, बट देन सर एंड पारुल ने यू कैन सिंग, और बच्चे की तरह मुझसे इतना अच्छा गाना निकलवाया, सो ना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सिंगिंग। जब तक ये सांसें हैं तुमको ही चाहूंगी,
चाहूंगी तुमको मेरे यार, तेरी इन बातों का, तेरी इन यादों का दिल पे किया था एतबार। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, बाकी गाना आप देखना, अभी नहीं बताऊंगी। मैं तो बोल चुका हूँ बहुत देर से, मैं ही बोल रहा था। सबसे पहले समीर जी बोले थे। नहीं, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ दीपिका से कि आखिर इतने गाने इसने सोचे देखे, ये गाना क्यों बना है और इसके दिमाग में ये बात क्यों आई? तो कहीं दिल टूटा हुआ है ये पता करना ज़रूरी है, क्योंकि उस आवाज़ में वो सोच, वो दर्द, वो खलिस है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के गाने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो मौसम चल रहा है, लगता है टूटे दिल वाले लोग ज़्यादा हैं, दिल जुड़ते कम हैं टूटते ज़्यादा हैं। इसलिए मुझे लगता है दीपिका ने ये डिसाइड किया होगा, और मुझे लगता है हर यंगस्टर्स के मोबाइल पे ये गाना ज़रूर होगा, या ऐसी उम्मीद है मुझे। और रियली जो भी हम अभी तक बात कर रहे थे कि दीपिका ने बहुत ब्रिलियंटली गाया और बहुत अच्छे से गाया, और बहुत अनबिलीवेबल एक बात जिस पर किसी को यकीन नहीं था वो इन्होंने जस्टिफाइड किया, वो बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर प्रेइंग फॉर दिस। और सेजुट के बारे में मैं बताऊं कि ये रीमिक्स और रिक्रिएशन ये आज की नई जनरेशन शुरू हुई है, ये आज से 25 साल पहले इन्होंने सिलसिला शुरू कर लिया था। आई थिंक ही द बिगिनर ऑफ ऑल दिस, सो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरी तरफ से इन तमाम लोगों को बहुत सारी बधाई है। ये समीर जी मुझे हमेशा छेड़ते रहते हैं, ये गाना क्यों गा रही है? मैंने बोला ये सबका फेवरेट है, और इसलिए वीडियो में मैंने कोई दुख दर्द नहीं रखा, क्योंकि रोमांस जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना आप किसी को याद करते हो। तो द लव कैन बी विद टू फ्रेंड्स, विद द पेरेंट्स, एनी बॉडी, और जिसको जो सोचना है। ओके, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। हाँ जी,
बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि दीपशिखा की ये जो जर्नी है ये थोड़े महीने पहले स्टार्ट हुई थी और रिकॉर्डिंग के टाइम मुलाकात हुई थी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए क्योंकि वो सच में बहुत अरसों मेरे बहुत दिनों से वो गाना चाह रही थी और उसका ये पहला गाना है. शी इज़ डायरेक्टेड इट एंड लिरिक्स आर ब्यूटीफुल. आई एम जस्ट एक्साइटेड. मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जाके ये गाना देखने के लिए और उसको दीपशिखा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ एंड आई होप इसके आगे और बहुत सारे ढेरों गाने में गाने वो बनाएँ. आई रियली होप सो. सॉरी एक्चुअली ये जो हमारे जो पुराने गाने हैं बहुत सुंदर होते हैं नो डाउट. बट जब आज जैसे म्यूज़िक की भाषा बदलती जा रही है आज के ज़माने में लोग थोड़ा अलग अंदाज में वही गाने सुनना चाहते हैं. उन पुराने गानों की जो ब्यूटी है वो बहुत ही अलग है नो डाउट. बट एक अलग फ्लेवर में एक अलग अंदाज में इनको सुनना भी इट्स ब्यूटीफुल इट्स नाइस एंड आई एम श्योर आप सबको भी ये गाना बहुत पसंद आएगा. एक्चुअली यू नो ये अभी मैं बिग बॉस में थी और शायद ये पूरे महाराष्ट्र को या सारे व्यूअर्स को पता चल गई होगी एक बात कि मैं गानों के लिरिक्स याद नहीं रख पाती हूँ और मैं गुनगुनाती हूँ. मैं ना 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 ला 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 ऐसे करके गाने गा लेती हूँ अच्छे से लेकिन लिरिक्स याद नहीं रख पाती हूँ. लेकिन मुझे एक गाना जो है जो पुराना गाना है मुझे याद है. शायद पता नहीं क्यों जब गुनगुनाना हो तो फिर ये गाना आ जाता है. बाहों में चले आओ बाहों में चले आओ हो हमसे सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा. सो ये गाना पता नहीं क्यों लिरिक्स याद रहते और अचानक से आ जाता है. बट अदरवाइज आई हैव अ लॉट ऑफ इशू. मैं गाना अच्छे से गा नहीं सकती हूँ लेकिन बहुत तमन्ना है कि मैं गाना गाऊँ. और आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट बिग बॉस हाउस में मैंने एक इंग्लिश गाना गाया था खुद लिखा था उसको कंपोज किया था इस गाने को और गाना भी गाया था. तो आई डोंट नो होपफुली वो टेलीकास्ट हुआ है क्योंकि अभी तक मैंने एपिसोड नहीं देखे. तो आई एम श्योर आई जस्ट होप कि आप सबको गाना पसंद आया. थैंक यू थैंक यू. इधर इधर ये तो हम लोगों के लिए इतना बूमिंग यू नो डे है कि शुरू होते ही हम लोग एक तरह से देखा जाए तो पूरा हमारे पास पूरा बॉलीवुड यहाँ छाया. और स्पेशली स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ दीपशिखा जी का कि उन्होंने हाउस ऑफ पार्टी को चूज़ किया और उनको हम लोग हमेशा से देखते आए हैं इतना ऐसा सक्सेसफुल एक्ट्रेस यू नो. और टू टर्न इन टू अ सिंगर इट्स अ बिग थिंग इट्स अ बिग चैलेंज इट्स अ बिग थिंग इट्स अ बिग अचीवमेंट. सो मेरा पूरा सपोर्ट है और पूरी आशा करता हूँ क्या हुआ वादा जो है उसको उसकी सक्सेस के लिए आप सबको मैं उसके लिए दिली प्रे करता हूँ. थैंक यू.
बीच में आ जाओ मेरी सॉरी अरे मेरे को हक बनता है मेरी बहन का लॉक है भैया मेरी एकलौती बहन है गुड इवनिंग 100% मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि मेरी बहन बचपन में कॉलेज के एनुअल फंक्शन में गाना गाती थी and she used to be there and she sang a song odni odu odu ne odi jaye that was a gujju song but that had such a solid repeat value and boys were hooting once more once more once more that time and now here she is with this song jo hum log bachpan mein bahut gaate the and you know the kya hua तेरा वादा वो कसम वो इरादा देयर इज दिस सिग्नल बिहाइंड दिस जो देख रहा है वो समझ जाएगा बचपन में बहुत मस्ती करते थे सारे गाने लेकर सो तब मस्ती में गाती थी अभी सीरियसली गा रही हूँ क्या हुआ तेरा वादा जो कसम वो इरादा समझ जाना Yes, yes, my 3 songs are already ready, but we plan to release this song first because it's a single album and people will like it because Kya Hua Tera Vaada is more everybody's favorite. So we thought let's do this first and then every 3 months we'll keep coming with a new song. Yeah, aap dono ke saath mein aaj dono ki awaaz ek saath sun le. Ah, nahi nahi. Baad mein launch pe dekho. Gaane ke liye. Ha. Nahi, main husky hu, wo alag hai, surili. Aap apni awaaz मेरी आवाज़ में मुझे तो सब पुराने गाने अच्छे लगते हैं बहुत पुराने अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या बोलूँ बाद में मैं सोच के बताती हूँ एलो जी हरी पिया हुई बड़ी प्रीत रे काहे का झगड़ा बालम नहीं नहीं प्रीत रे ओके थैंक यू इधर इधर वीडियो में ऐसे खड़ा रहना बहुत स्टूपिड लगता है कवर होना मम्मा सिंगिंग ये ले दे मास ओके सो क्या कहना चाहेंगे आप मॉम का सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है क्या हुआ तेरा वादा किस तरह का आपका बॉन्डिंग है आप मम्मी के साथ तो सॉन्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पहले जो मम्मा ने मेरे को एक गाना सुनाया था सच्ची में मेरे को पहले इतना ओकेश लगा क्योंकि तभी लाइक सिर्फ बैकग्राउंड सुना था मम्मा को गाते हुए कभी नहीं सुना था मैंने
एंड सडनली मम्मा ने दो तीन दिन बाद, आई थिंक हम US में थे तभी, एंड मम्मा प्लेड द ट्रैक एंड ऑल ऑफ अस, माय बेस्ट फ्रेंड वाज आल्सो विद मी, माय ब्रदर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई, वी वर लाइक ओ माय गॉड दिस सॉन्ग इज अमेजिंग. एंड तभी तक पूरा ऐसा रफ एडिट था, शी जस्ट सैंग, उसका कुछ एडिटिंग ट्यूनिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था. एंड हम लोग का मतलब ऐसे कर दो और मत करना, इट वॉज दैट नाइस. आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मॉम फॉर दिस सॉन्ग्स. वैन आई हर्ड उनका, जब बच्चों का रिएक्शन देखा ना, वैन किड्स लाइक समथिंग ना, दैट मीन्स लाइक मम्मा इट्स एपिक, नॉट बिकॉज आई हैव संग, सो देयर रिएक्शन, देन आई टोल्ड शेयर्स कि ये गाना बच्चों को पसंद आ गया, मतलब ये अच्छा गाना है. जब हमारे मास्टर जी आके उसको सारे गाने सिखाते वो भाग जाती है. ये ना म्यूजिक के लिए ये सब कुछ बनाने में बहुत मास्टरी है. सच्ची में गा नहीं सकती मम्मा. अच्छा ओके, हां ये गाएगी, मैं इसको पीछे बैकग्राउंड दूंगी, इंग्लिश सॉन्ग है. मैंने बहुत सुनी, कम ऑन जो लोग डाल, नो दे विल नॉट रन ऑन मी, चलो सिंग सिंग मम्मा, यू हैव टू फेस यू कम ऑन, नॉट सिंग, शी इज अ फ्यूचर मॉडल और व्हाटएवर, अभी कैमरा से हल इधर होगी, चलो कम ऑन, यू सिंग विद मी. हां ओके, कौन सा गाना गाना, व्हाटएवर सॉन्ग. कैसे मैं आऊं, दिल लगन है, अच्छा. देखिए मैं खुद भी रिमिक्स करता रहता हूँ. मैंने लास्ट मेरे बिन तेरे सनम और वादारा सनम किया था, ये दोनों बहुत अच्छे चले. और अभी जो शेजवुड ने अभी ये क्या हुआ तेरा वादा किया, मुझे लगता है बहुत अच्छा ही किया होगा. और दीपशिखा ने पहली बार कोशिश की है गाने की, मतलब ऐसा है, तो एक्टर रह चुकी है और वो पहली बार गा रही है, तो सारा काम मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ होगा. देखिए आप रिमिक्स भी कर सकते हैं, आप ओरिजिनल गाना भी बना सकते हैं, ऐसा कोई फास्ट एंड कोई रूल नहीं है कि भाई आप रिमिक्स ही बनाइए या आप नया गाना नहीं चलेगा. अभी मैंने नया गाना बनाया था, देखिए आप बिल्कुल, तो वैसे कुछ नहीं है. एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर रिमिक्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा गाना सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यू नो. और मैंने एक बात अभी रिसेंटली ये सीखी है कि रिमिक्स गानों के पास जो लिरिकल छेड़छाड़ होती है वो ना की जाए, जो पब्लिक को पसंद नहीं है. चूँकि जो ओरिजिनल लिरिक्स है उसी को ही मेंटेन करके उसको मतलब अच्छी तरह से उसका ऑर्केस्ट्रा किया जाए. थैंक यू. गर्मी कैसे जाएगा देखते हो. चलो गाइस कम दीप्ति, कांग्रेचुलेशंस. ओके, गुड बोल रहे हो.
tell me. You know what? She surprised me as a singer, because I always thought my little baby is a multi talented baby, and now she surprised me as a singer. And I'm going to use her as a singer in my web series, I promise her. I call him daddy, you know. Meri shaadi mein, he was there throughout. He did my costume and everything. Mera kanyadaan bhi. I did the kanyadaan. Kanyadaan, so he did. So he has very, very special place in my life. And he's a sweetheart. Thank you so much. I love you, my doll. Thank you. My friend. Hi, hi. And my friend. Hi, hi. Please come, please come. Come, baby. Are you all standing there? Yeah, I'm there. Come, come. Yeah. Thank you. You be with me. Come. Ek second, ye photo khichna. Chalo, ye photo khichna. Bachcha, jaldi jaldi. Come, come. See, Deepshikha Nagpal is my mentor. My first television series, when I entered Bombay, she mentored me for the dance show, Dancing Queen. Since then, our bond is something that I can't just state in words. She's like my elder sister, friend, crime partner, everything. And now when I heard her sing, I guess I was one of the few that you had shared the song with. I immediately called her back and I was like, wow, why didn't you do this so many years back? You've been acting, dancing, doing everything. But this was one thing in her bucket list she always wanted to do. And I am so happy and proud that she made it and she's sounding amazing. Good looking to hai hai, awaaz bhi utni hi sundar lag rahi hai. And I'm very happy. Thank you so much and we go long way. ये कोई आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है. So now we act, we dance and now both of us sing. Sing. Very soon. Thank you much. Bye. Baby. Bye. Come. बाबा. मेरे बाल भी तो. हाँ. Hello जी. हाँ. बोलो बाय. दिस वुमन इज मल्टी मल्टी टैलेंटेड. इसके कितने टैलेंट है हमें पता नहीं. एक बार एक निकलते जाना है. व्हाटएवर शी डज शी डज फ्रॉम हर हार्ट. सो आई एम वेटिंग टू सी दिस सॉन्ग. आओ जी. नहीं नहीं आप ये आओ जी. नहीं तो आप खत्म कर लो. आओ जी. My team, she's my soul sister. Like, we are in same profession. हम एक जैसे लगते हैं, एक दूसरे का काम भी करते रहते हैं, but we have a family bonding. Hello. यार सब secret मत खोलो. क्यों नहीं सबको बता. And I want to wish her all the best. I have had a sneak peek of the song and it's क्या हुआ तेरा वादा. बोलो. रिदे मेरा यू. अबे इतनी सुंदर लड़की है और तू मुझे solo ले रहा है. हेलो कैसे मेरे सब माय डॉग क्विक्स. So, Deepshikha, and I want to wish her all the best. And she's chosen a fabulous song. Gana to bahut hi acha hai. It's been remixed beautifully, and you're going to love it. ये मेरी बच्ची है, प्यारी प्यारी बच्ची है मेरी, प्यारी बच्ची. मैं दीप्ति को जानता हूँ जब ये 10 साल की थी. इसके मम्मी डैडी मेरे दोस्त थे, तो मेरे लिए तो ये बिटिया है, बिटिया प्यारी बिटिया. ये और आरती.
और मुझे पता था कि ये गाती है और गाएगी, और इसने करके दिखा दिया। मुझे बहुत खुशी है, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी तरह गाती रहो, चलते ही रहिए गट्टी गट्टी। लव यू। It is almost impossible to figure out whether Deepshikha, you know, I call her Diva, is an incredibly talented singer, or an incredibly talented actor, or a brilliant dancer. She's actually a complete professional when it comes to making a complete artist. This is one of her first talent, which is being unveiled right now, the singing part of Deepshikha. I have had the fortune to have a look at the glimpse of the album, and I must tell you that I think she has beaten our expectations completely. She is outperformed as if she was born to be a singer. Wish her all the best. There is this lovely saying that if you have talent, it's like you have wings. Deepshikha has multiple wings. Wish her all the best. थैंक यू। मैं चाहूंगी, माय डियर, प्लीज 2 मिनट प्लीज बात कीजिए और
इस अवसर पर इस दीपक भाई धीरे से आपका हो गया तो हट जाओ ना प्लीज अरे धीमे दादा पीछे भी लोग खड़े हैं भाई शूट कर रहे हैं आप हटोगे हाँ करता हूँ करता हूँ मैंने कर लिया है मेरे पास है छेड़ना मत अलग प्लेट में जाना प्लेट में जाना